नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। साथियों, आज का जो विषय है वह बहुत ही अद्भुत है। आइए चलते हैं बिना किसी देर किए। सुमंत जी को बड़ी मुश्किल से अयोध्या वापस किया है और अब राम जी गंगा जी के तट पर पहुंच गए। यहाँ एक मीठी कथा प्रारंभ हो रही है और आपको बतावें कि ज्यादातर लोग यह कथा सभी को प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये केवट भैया की कथा है। तो आप सुनिए, बहुत ही अद्भुत कथा है। राम जी गए गंगा जी के तट पर केवट जी से नाव मांगने के लिए। तो देखिए, जो भगवान प्रदान करते हैं वो खुद भगवान आज केवट जी के सामने जाकर मांगी नाव ना केवटवाना कहे तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहूँ शुभ कही मानुष करने भोर कचुहली छुअत सिला भई नारे सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई तरने मुने धर नी हो जाए बाट पर मोरे नाव उड़ाई। सत्य कहता हूँ हे भगवान, एही प्रतिपाल हूँ सब परिवारो नहीं जाना हो कछु और कवारो जो प्रभु पार अवश्य गाचहु मोहि पद पद मोह पखारन कहु मोहि पद पद मोह पखारन कहु। आपको बताऊं कि केवट जी पिछली रात जब निषाद जी सभी सेवकों में पहरे पर लगाए गए तो ये केवट जी वहीं पर पहरा दे रहे थे जहां लक्ष्मण और निषाद जी आपस में बात कर रहे थे। ये राम जीव नहीं ब्रह्म है और राम के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। वही आज ये चरण मुझे मिले हैं, इसे जाने नहीं दूंगा मैं। सवेरे केवट जी उठे और निषाद जी के पास जाकर प्रणाम किया और बोले कि महाराज, आपके पास एक मेरा वरदान आती है, आज वो समय आ गया है, मांग लूं क्या आपसे? निषाद जी बोले, मांगो क्या चाहिए? केवट जी बोले कि हम चाहते हैं कि आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवाकर कह दें कि आज गंगा जी के तट पर मेरे नाव के अलावा कोई किसी दूसरे की नाव नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं। अब निषाद जी को क्या मालूम कि इनके मन में क्या क्या प्लानिंग चल रही है। बोले, ठीक है, अभी बजवाता हूं। और पूरे नगर में डुगडुगी बज गई। केवट जी, देखिए, केवट जी नाव को बीच नदी में जाकर खड़ा कर दिया है। सोचे कि अगर किनारे रखूं तो राम जी सीधा डायरेक्ट आके चढ़ जाएं और चढ़ के बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा, दूर करो इनसे। और यहाँ पर भगवान आए तो उचित ये था कि स्वामी के साथ अगर सेवक है तो स्वामी मौन खड़ा रहे और सेवक अपने स्वामी की व्यवस्था करे कि स्वामी के कैसे पार जाएं। उचित नियम यही है ना, नियम से लक्ष्मण जी को नाव मांगनी चाहिए। परंतु भगवान जानते हैं कि आज केवट मना करेगा और यदि हमारे भाई साहब मांगने चले गए तो इनसे ना, इनको ना सुनना नहीं आता, हाई टेम्परेचर आदमी है भाई ये, नाव मांगने केवट मना कर देंगे तो ये सीधा बाण निकाल के मेरे भगत को मार देंगे।
और मेरा भगत मारा जाएगा। भगत को बचाना है ना, तो इसलिए भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी आज का मैनेजमेंट मैं संभालता हूँ, आप मेरे पीछे चलिए। भगवान गए नाव मांगे, मांगी नाव परंतु न केवट आना। और ऊपर से कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मना कर दिया। और मना ही नहीं, ये कह दिया कि मैं आपका मरम जानता हूँ। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। बहुत ही अद्भुत कथा है, आप इसका जरूर श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।